बेहद खास है जिया की ये अदा, आज जिया बन गई है दुल्हनिया। नाना, जिया ने ये अवतार पिया घर जाने के लिए नहीं, ब्राइडल फोटो शूट करवाने के लिए लिया है। जी हाँ, जिया करवा रही है अपना ब्राइडल फोटो शूट। यू मेयर टीवी पहुंचा है जिया मानिक के ब्राइडल फोटो शूट ऑन लोकेशन पर, जहां जिया दुल्हनिया अवतार में फोटो शूट करवाने के लिए रेडी हो रही है। वैसे तो साथ निभाना साथिया में आप सभी ने गोपी बहू बनी जिया को सीधे पल्लू की साड़ी में ही देखा था, लेकिन इस बार जिया की अदाएं जरा हटके दिखने वाली है, क्योंकि इस बार जिया के ब्राइडल लुक को स्टाइल किया है सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट नेहा अद्विक महाजन ने। यूमियो टीवी में ग्लैमर का तड़का लगने वाला है, यस, बिकॉज़ हमारे पास है नेहा मैम एंड जिया मानिक। वेलकम गाइस। थैंक यू सो मच जी। तो हर बार आप यू नो टीवी सेलिब्रिटीज को ब्राइडल लुक में पूरा अटायर में सजा के एकदम अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस बार क्या कुछ जिया के लिए खास होने वाला है? अभी आप देख सकते हैं जिया एक शॉर्ट ड्रेस में आई है हमारे पास, और अब इनका ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला है इनटू अ ब्राइडल अवतार। और हमने इनके लिए बहुत ही सुंदर दो लुक्स प्लान किए हैं, वन इज अ वेरी ब्राइट पिंक ब्राइडल लुक एंड वन इज अ वेरी डीप यू नो ट्रेडिशनल बट एट द सेम टाइम वेरी मॉडर्न, वैसे दो लुक्स मैंने प्लान किए हैं, तो अभी आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेंगे कि क्या लुक्स हैं। अमेजिंग जी, हाउ मच यू आर एक्साइटेड फॉर दिस, यू नो, क्योंकि नेहा इस तरह से मतलब उनकी मेकअप से लेकर ज्वेलरी से लेकर प्री ब्राइडल क्लोथिंग से लेकर इतनी अलग वैरायटीज और अमेजिंग शी स्टाइलिंग होती है, तो हाउ मच यू आर एक्साइटेड फॉर दिस? आई एम वेरी एक्साइटेड। आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर आई बिकम अ ब्राइड आई विल बी एबल टू सी हाउ आई एम गोइंग टू लुक व्हेन आई एक्चुअली बिकम अ ब्राइड, सो आई थैंक नेहा फॉर थिंकिंग दैट यू नो आई एम केपेबल इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। अच्छा, आप तो रेडी लग रही है, तो आपके लुक के बारे में बता दीजिए थोड़ा बहुत। बहुत ही अच्छा सा और सिंपल सा थोड़ा आउटफिट पहना है विद अ स्कर्ट एंड अ नाइस कुर्ती, थोड़ा शरारा टाइप्स पहना है। दिस इज फ्रॉम नीरूज, और जिया का भी आउटफिट नीरूज से भी आया, और एक मेरी फेवरेट डिजाइनर जो कि है रेनू टंडन के लहंगे मुझे बहुत पसंद है, आई एम वेरी फैसिनेटेड, एक उनका लुक है। सो दीज आर अबाउट द लुक्स, तो अभी हम देखते हैं कि क्या करेंगे। चलिए, बातें तो होती रहेंगी, जिया को अब रेडी होने देते हैं। लीजिए, देख लीजिए जिया का ब्राइडल लुक नंबर वन, जिसकी डिटेलिंग के बारे में हम नेहा से ही जानेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जिया अपने पहले लुक में एकदम तैयार है, और वो बहुत ही सुंदर लग रही है, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा सुंदर लग रही है। थैंक यू। लाइक यू कैन सी जो उन्होंने लहंगा पहना है वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी और थोड़ा सा यू नो इतना इंडियन नहीं है, इंडियन है भी और नहीं भी है, इट्स बेसिकली अ मिक्स ऑफ कंटेम्प्रेरी एंड अनकन्वेंशनल लुक्स। देख सकते हैं कि आप जैसे कि लहंगा है एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, फॉर अ चेंज इट्स अ ब्लॉक प्रिंटेड लहंगा जिसपे कि कुछ यू नो मोटिव्स बने हैं, कुछ बर्ड्स एंड डियर के मोटिव्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं डियर्स बने हुए हैं। ये स्पेशली लहंगा मैंने मंगवाया है दिल्ली से, रेनू टंडन से, उनकी कलेक्शन का लहंगा है ये। और जो ज्वेलरी जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी सुंदर ज्वेलरी पहनी है जिया ने, नाइस चोकर एंड अ लॉन्ग रानी हार, ये हमने सैंजनी ज्वेलर से मंगाया है, इनकी ज्वेलरी बहुत ही अमेजिंग होती है और मैंने भी इन्हीं की ज्वेलरी पहनी है। और मेकअप की बात करें तो जिया के मेकअप हमने बहुत ही न्यूड एंड सटल रखा है, बिकॉज आजकल मुझे लगता है कि ब्राइड्स लुक फॉर मोर क्लासियर एंड यू नो न्यूडर लुक्स रादर देन गोइंग वेरी ओवरबोर्ड एंड यू नो ऑन द टॉप मेकअप, वो इतना अच्छा नहीं लगता है, ये थोड़ा ज़्यादा क्लासी लगता है। जैसे कि आप अगर हम आईज बंद करें, गोल्ड ब्राउन एंड स्मोकी लुक किया है हमने विद सम स्मज्ड लाइनर एंड विद सम न्यूड लिप्स और फ्लश्ड चीक्स दिए मैंने। सो दिस अबाउट द मेकअप एंड अबाउट द ज्वेलरी एंड द क्लोथ्स। अब हम जिया से पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है इस लुक में रेडी होके। यस, मैं एक्चुअली जनरली मैं जो लुक होता है उसमें मैं बहुत ध्यान देती हूँ कि क्या ज्वेलरी है, क्या मेकअप है, क्या क्या कॉस्ट्यूम्स है, बट आई डोंट नो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने ज़्यादा कुछ सवाल किए नहीं नेहा को, आई वॉज जस्ट कॉन्फिडेंट दैट यू नो इट विल जस्ट टर्न आउट टू बी गुड, सो आई जस्ट टोल्ड हर टूवर्ड्स द एंड मोमेंट के यू नो मुझे दिखा दो क्या पहनने वाले, तो उसने मुझे दो तीन फोटोज़ भेजे और जो भी उसने भेजा मुझे सब पसंद आया,
So I was very sure that, you know, she's picked up the best things for me for this look. And generally, हम bride का सोचते तो red color ध्यान में आता है. And when Neha sent me this outfit picture, I was very sure that this is going to look very different. And I didn't want to look like the same typical Indian bride जो शादी करती है कैसी दिखती है. So आजकल तो brides का कहना है कि हमें तो dance भी करना है अपनी शादी में. तो इतने भारी लहंगे पहन के कहाँ से dance करेंगे? तो this kind of lehenga is very contemporary. कि आप आराम से bride enjoy भी कर सकती है अपना function और you know अपनी wedding भी अच्छे से पूरे कर सकती है. यस, सो आई फील वेरी ब्यूटीफुल वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल डिज़ाइनर घाघरा चोली विद दिस अमेजिंग ज्वेलरी. एंड नेहा हैज़ डन माई मेकअप फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई हैव टू से दैट आई एम फीलिंग प्रिटी एंड शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. जिया, अपने इस लुक का बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा? I think I always wanted to wear, not I think, I always wanted to wear kalire, although I'm a Gujarati, but kalire is a very Punjabi thing. हमेशा से मैं कलीरे पहनना चाहती थी. अपने दोस्तों के वेडिंग पे भी मैं पूछती थी क्या मैं कलीरे पहन सकती हूँ, तो वो लोग बोलते थे कि रुक जाओ, तुम्हारी शादी पे ही पहन सकते हो. सो आई एम ग्लैड वो कलीरे पहने की विश पूरी हो गई है. सो आई थिंक इफ यू आस्क मी व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, आई थिंक इट्स दिस वन. और हमने कलीरे भी बहुत अनकन्वेंशनल yes. कलीरे दिए, हमने नॉर्मल गोल्डन रेड कलीरास नहीं दिए, बहुत ही यू नो मॉडर्न कलीरास दिए हैं, गो विद द लहंगा. यस, एंड आई लाइक द घुंघरूज इन इट, इट्स वेरी क्यूट. भाई, जिया का ये लुक तो है 10 on 10. अगले लुक में क्या खास होने वाला है? नेक्स्ट एक बहुत ही डिफरेंट लुक रहेगा. ये जो आप ब्राउन कलर देख रहे हो, नेक्स्ट जो कलर है वो बहुत ही ब्राइट, बहुत ही गर्ली, बहुत ही पिंकी रहने वाला है. सो इट्स जस्ट गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी प्लान फॉर दिस वन. रेड कलर को डिच करके जिया को दिया गया ब्राइट पिंक कलर का लहंगा. अनडाउटेडली जिया पर ये रंग खूब खिल रहा है. चलिए जिया की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली नेहा से उनके इस लुक के बारे में जानते हैं. सो इट्स फर्स्टली पिंक कलर, इट्स अ वेरी फेमिनिन कलर एंड बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज मैं भी खुद यू नो आई लाइक पिंक कलर एंड आई लाइक doing a lot of feminine things. मैं ज़्यादा tomboyish नहीं हूँ. So I was very happy कि एक maroon color choose किया और दूसरा pink color choose किया है. And I was surprised to see that Neha और मेरी choices भी काफ़ी similar है. So जो वो सोच रही थी मैं वही सोच रही थी. And आज भी जब हम makeup कर रहे थे, जो मैं चाह रही थी कि Neha use करे, मतलब अभी तो मैंने सोचा है, Neha ने उसी चीज़ को उठा के मेरे face पे use कर दिया. So that I think we have a amazing connection and you know our energy exchange is also very good. Jia, आपको ये look कितना पसंद आया? I think it's very pretty. मुझे ऐसा लगता है कि I feel very happy जब मैं pink color पहनती हूँ, तो ये मेरे चेहरे पे भी दिखता है. And pink और green का जो combination है बहुत अच्छा है. Of course, generally red और greenish का combination होता है शादी में, but instead of the red we have pink. हर बार की तरह इस बार भी नेहा ने कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, जो सक्सेसफुल भी रहा है. कहना पड़ेगा कि नेहा को ब्राइडल फोटोशूट में कलर्स के साथ खेलना काफी पसंद है. आई थिंक मैं जितने भी फोटोशूट्स करती हूँ, मैं उसमें हर बार कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडिया हमारी ब्राइड्स टू बी, रियल ब्राइड्स टू बी को देना चाहती हूँ. और आई थिंक मुझे काफ़ी इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट भी आते हैं कि आप ये वाले कलर का लहंगा पहना के दिखाइए ब्राइड को, कि इसको हम कैसे ब्राइडल कलर में डाल सकते हैं. सो इनफैक्ट आई थिंक आई ट्राई टू डू ईच एंड एवरी कलर एज ब्राइडल कलर, बिकॉज यू नो जो कलर्स होते हैं वी शुड ट्राई प्लेइंग विद देम रादर देन प्लेइंग सेफ कि चलो हम रेड्स ऑरेंजेस जो शगन के कलर हैं उसमें खेलें. आजकल ब्राइड्स वॉन्ट टू बी मच मोर यू नो कि एक्साइटिंग कुछ करें हम, कुछ डिफरेंट करें ताकि हम दूसरी ब्राइड से अलग लगें. सो आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए यही टिप्स है, जो हम आपको नए नए लुक्स दिखाते हैं, आप इनसे कुछ सीखिए और आप अपने वेडिंग डे पे उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने आउटफिट्स और ज्वेलरी में. जाते जाते एक बार फिर कर लीजिए जिया के दुल्हनिया वाले डबल अवतार के दीदार. मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट, E24.